What are waves and different types of waves? Assalamu alaikum, students. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next unit that is waves and energy. What is waves? Waves is basically a disturbance. It वेव क्या होता है एक ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस है किसी भी मटेरियल के अंदर किसी भी पार्टिकल के अंदर इवन एनी मैटर सॉलिड है लिक्विड है गैस है वो बात की बात है लेकिन अगर वेव की डेफिनेशन को देखें तो वेव इज़ बेसिकली अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस अगर वाटर की एग्जाम्पल को लें वाटर के अंदर आप कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो उसके अंदर फ्लो पैदा होता है वेव्स पैदा होती हैं दैट आर वेव्स इसके बाद इसके डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द वेव एनर्जी तो बेसिकली एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स मैटर की ये पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है और ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं वन ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पास विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर वेव एनर्जी बेसिकली एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स दैट ट्रांसफर्स दैट ट्रांसपोर्ट वेव्स एंड वेव्स एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करते अगर आप वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं वाटर के अंदर अगर आप पत्थर कोई फेंकते हैं तो क्या होगा उसके अंदर वेव्स जैसे आप उसके अंदर थ्रो करते हैं उसके अंदर जाके गिरता है तो रिपल्स की आपको वेव्स नज़र आती हैं वो जो वेव्स आपको नज़र आ रही हैं उससे क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर दूसरे से तीसरे से तीसरे से चौथे पे तो वेव्स के साथ क्या होता है कि एनर्जी ट्रैवल करती है मैटर ट्रैवल नहीं करता वाटर के पार्टिकल्स उधर के उधर ही रहते हैं लेकिन एक पार्टिकल अपनी एनर्जी नेक्स्ट को देता है फिर उसके बाद वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट को देता है इस तरह से एनर्जी ट्रैवल करती है उसके बाद हम देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स को तो इसके टाइप्स में दो तरह की वेव्स होती हैं एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रो मैगनीटिक वेव्स इलेक्ट्रो मैगनीटिक वेवस और मैकेनिकल वेव्स के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है दैट इज़ मीडियम मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए अब मीडियम क्या है मीडियम कोई भी पार्टिकल हो सकता है कोई भी मैटर का सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है लेकिन बेसिकली ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर से वेव ट्रैवल कर सकती है उसको हम मीडियम कहते हैं एनी थिंग एनी मैटर इज़ नॉन एज मीडियम अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं वाटर की वाटर के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं तो इसमें मीडियम क्या है वाटर है अब मैकेनिकल वेव्स के बाद नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनके लिए मीडियम नहीं चाहिए होता अगर आप इसकी एग्जाम्पल में देखें तो इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है लाइट लाइट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है उसको मीडियम नहीं चाहिए होता फिर एक्स रेज इसमें आ जाते हैं रेडियो वेव्स आ जाती हैं जो एक्स रेज के अंदर यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स आती हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता मूव करने के लिए इसमें एक्स रे मशीन के अंदर जो वेव्स होती हैं वो आती हैं जो लेज़र्स के अंदर मशीन होती है जो लेज़र के अंदर लाइट होती है उनको भी मीडियम नहीं चाहिए होता बेसिकली लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए ही नहीं है इसमें डिफरेंट टाइप्स की रेज आ जाती हैं एक्स रेज आ जाती हैं अल्फ्रा रेड रेज आ जाती हैं यू लाइट्स आ जाती हैं इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम मीडियम नहीं चाहिए दीज आर नॉन एज़ इलेक्ट्रो वेव्स अब हम देखते हैं कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए उनकी आगे से फर्दर टू टाइप्स हैं वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकेंड इज़ ट्रांसवर्स वेव्स लॉन्गील वेव्स में वेव्स मूव करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मीडियम जिस डायरेक्शन में मीडियम की मूवमेंट है या पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में अगर वेव्स मूव करें तो इस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है लॉन्गील वेव्स इस तरह की वेव्स को कहते हैं लॉन्गील वेव्स अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जाम्पल देखें तो आपको इसमें वेव्स नज़र आ रही हैं जिसमें दो पार्ट हैं एक में कंस्ट्रक्टेड पार्ट नज़र आ रहा है और एक जो है उसमें डाइवर्स पार्स खु, खुली खुली नज़र आ रही हैं आपको वेव्स तो जो जिसमें वो कंस्ट्रिक्शन होगी या वो तंग तंग होती हैं नैरो स्पेस होती है उनके दरम्यान उस पार्ट को कहा जाता है कंट्रैक्शन और जहाँ पे खुला होता है एरिया जहाँ पे स्पेसेस ज़्यादा होती हैं उसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द ट्रांसवर्स वेव्स ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं उनसे परपेंडिकुलर मूव करती है डायरेक्शन ऑफ वेव्स वेव्स की डायरेक्शन जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है उनसे परपेंडिकुलर होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या था वेव्स की डायरेक्शन पार्टिकल्स की डायरेक्शन के पैरेलल थी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था उसी डायरेक्शन में जिस में वो मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में वेव्स भी मूव कर रही थी लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन होती है ऑब्जेक्ट की जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन होती है उसके टल उससे ओपोजिट 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ये वेव्स मूव करती हैं इसके अंदर भी दो पार्ट्स आते हैं क्रस्ट एंड ट्राफ अगर आप अपनी डायग्राम के ऊपर देखें स्क्रीन के ऊपर तो आपको वेव के दो पार्ट्स नजर आएंगे एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसको क्रस्ट कहते हैं और जो इसका नीचे वाला पार्ट है उसको ट्राफ कहते हैं तो अगर इनके बेसिक डिफ्रेंसिस को देखें मकैनिकल वेव में हमने देखा दो टाइप्स होती हैं एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफर्स वेव लोंगीचूडनल और ट्रांसवर्स वेव के अगर आप डिफरेंसेस देखते हैं तो इसका सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो मीडियम के पार्टी लोंगीचूडनल वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उन्हीं के अलोंग वेव्स ट्रैवल करती हैं ट्रैवल ट्रैवलिंग वेव्स की और मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन सेम होती है और अगर आप दूसरी वेव्स को देखें ट्रांसवर्स वेव को तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसके परपेंडिकुलर या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव्स की मूवमेंट होती है एक वेव को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको मूव करने के लिए कोई बेसिक मीडियम रिक्वायर नहीं होता वो बगैर मीडियम के भी मूव करती हैं मीडियम क्या हो सकता है कोई भी मैटर की स्टेट सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है और इवन गैस भी हो सकता है तो इस तरह से आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स और उनके एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है स्टेबलेस अल्लाह हाफिज़